हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू माय फ्रेंड्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी टेक्निक्स 2 में। दोस्तों, थंबनेल से आपको पता चल रहा होगा आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे राष्ट्रीय वयोश्री योजना के बारे में। दोस्तों, नाम कुछ अजीब सा लगा होगा आपको, क्योंकि आपने पहले नहीं सुना होगा। दोस्तों, वयोश्री योजना ये कई सालों से लॉन्च हुई हुई है, लेकिन यहाँ पर किसी को जानकारी ना होने की वजह से इसको किसी को सीधा फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। दोस्तों, वयोश्री योजना के बारे में आज हम बताएंगे पूरी डिटेल्स। क्या है वयोश्री योजना, कब ये लॉन्च हुई थी, किन किन लोगों को इसका फ़ायदा मिलने वाला है और किस तरह से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ये रेड सर्कल में जो बेल आइकन का बटन आपको दिख रहा है इसको प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अपना ब्राउज़र आपको ओपन करना है और वहाँ पर एक जो मेरी भरोसेमंद वेबसाइट है सरकारी योजना.com, उसको आपने ओपन करना है। दोस्तों, बहुत अच्छी वेबसाइट है, इस पर जो भी आपको योजना मिलेगी वो बिल्कुल सही मिलेगी। दोस्तों, जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं सारी इस वेबसाइट पर अपलोड होती हैं, सरकारी योजना.com। ठीक है दोस्तों, तो इस पर देखिए ये लिंक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा राष्ट्रीय वयोश्री योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन सहायक उपकरण योजना। दोस्तों, जो वयोश्री योजना है वो हमारे वरिष्ठ नागरिक यानी 60 साल से ऊपर के जितने भी एज के हैं, जिनकी एज 60 साल से ऊपर है, उन लोगों के लिए है। और वो विकलांग हैं, चाहे वो आँख से हो, चाहे वो उनके दांत नहीं हो, चाहे वो विकलांग हो, चाहे वो उन पर पैर ख़राब हो उनका या हाथ ख़राब हो, कुछ भी चीज़ हो, उन लोगों के लिए स्कीम ख़ास तौर से है। दोस्तों, राष्ट्रीय वयोश्री योजना ये एक पूरे नेशनल लेवल पर चल रही है, पूरे इंडिया में चल रही है। ठीक है, जिसमें कि मध्य प्रदेश में और आंध्र प्रदेश में अभी अभी इसके जो कैंप हैं वो लगने वाले हैं और कई जगह पर ऑलरेडी लग चुके हैं। इन कैंप में दोस्तों क्या होता है, जो उपकरण होते हैं, जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो विकलांग होते हैं उनके जो उपकरण होते हैं वो वितरित किए जाते हैं बिल्कुल निःशुल्क। तो दोस्तों, इस योजना के बारे में हम आगे पढ़ते हैं अपनी सरकारी योजना.com पर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, राष्ट्रीय वयोश्री योजना गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2017 में नरेंद्र मोदी सरकार की एक नई योजना है। दोस्तों, मोदी जी ने 2017 में इसे लॉन्च किया था। इस सरकारी योजना के तहत केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट BPL परिवारों से संबंध रखने वाले वरिष्ठ नागरिकों को जीवन को आसान बनाने के लिए मुफ्त सहयोगी उपकरणों की पेशकश करेगी। दोस्तों, राष्ट्रीय वयोश्री योजना 477 करोड़ रुपए की लागत से कार्यान्वित की जाएगी और आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में एक शिविर 25 मार्च को शुरू होगी। तो दोस्तों, 25 मार्च को एक शिविर लगने वाला है नेल्लोर जिले में आंध्र प्रदेश के। इस योजना के तहत केंद्र सरकार मुफ्त सहायक उपकरण जैसे कान की मशीन, व्हीलचेयर, ट्राईसाइकिल, ये सारी चीज़ें होती हैं जो विकलांगों के लिए बहुत ही लाभकारी होती हैं, ये सारी चीज़ें प्रदान की जाएंगी। राष्ट्रीय वयोश्री योजना का उद्देश्य क्या है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका क्या उद्देश्य है? दोस्तों, राष्ट्रीय वयोश्री योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से पिछड़े समाज के वृद्ध लोगों को सक्रिय जीवन जीने के लिए सक्षम बनाना और वृद्ध अनुकूल समाज बनाना है। इस योजना के उद्देश्य लोगों को जीवन सहायता उपकरण प्रदान करना है, जिससे कि वो सामान्य जीवन व्यतीत कर सकें। वृद्धावस्था विकलांग जैसे कम दृष्टि, कम सुनना, दांतों की हानि और गतिरोध विकलांग का मतलब चलने फिरने में जो विकलांगता होती है वो, उन वरिष्ठ नागरिकों को राष्ट्रीय वयोश्री योजना के माध्यम से सहारा दिया जाएगा। दोस्तों, सभी उपकरण उनको बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे कि उनको बहुत ही सहारा मिलेगा। केंद्र सरकार ने प्रत्येक शिविर में कम से कम 2000 लाभार्थियों को मुफ्त सहायक उपकरणों को वितरण करने का लक्ष्य रखा है। उपकरणों के वितरण के लिए सरकार पूरे वर्ष के लिए प्रत्येक राज्य के 2 जिलों में शिविर का आयोजन करेगी। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करते हैं अपने राज्य यूपी की, यूपी में अगर आपको पता करना है कि किन सिटी में आपके किन शहरों में लगने वाले हैं कैंप, तो दोस्तों आपको बता दूँ, एक तो वाराणसी यानी बनारस में लगने वाला है, दूसरा आपका लखनऊ में लगने वाला है। 2 आपके शिविर लगेंगे उत्तर प्रदेश में भी। तो इसकी जो डिटेल्स है वो आपको अपनी कलेक्ट्री से, समाज कल्याण विभाग से या फिर कमिश्नरी ऑफिस से आपको मिल जाते हैं, क्योंकि कमिश्नर जी भी यहाँ जो है कमेटी के मेंबर होते हैं। तो दोस्तों, आप अगर चाहें तो DM ऑफिस कलेक्ट्री से इसके बारे में पता कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ देखिए ये जो आने वाले कैंप हैं वो 25 और 26 मार्च में हैं, एक मध्य प्रदेश में और एक आंध्र प्रदेश में। इनके जिलों के नाम भी यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है,
अब बात करते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं दोस्तों। राष्ट्रीय वयश्री योजना उपकरण की सूची है, कान की मशीन, व्हीलचेयर, वॉकर, वैसाखी, तिपाही, चश्मा, डेंचर और अन्य कई उपकरण हैं। राष्ट्रीय वयश्री योजना योग्यता मानदंड, दोस्तों बात करते हैं एप्लीकेबल होना यानी कौन लोग इसके लिए एप्लीकेबल होंगे। बुजुर्ग व्यक्ति जो निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करते हैं इस योजना का लाभ के हकदार हैं। लाभार्थी की उम्र कम से कम 60 वर्ष की होनी चाहिए। एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा व्यक्ति की गरीबी रेखा से नीचे रहने के रूप में प्रमाणित किया जाना चाहिए। इसके अलावा तीसरा डॉक्यूमेंट दोस्तों लगता है इसमें, वो है विकलांग प्रमाण पत्र। पहला हो गया आपकी 60 साल से ऊपर उम्र होनी चाहिए, और दूसरा हो गया आपका गरीबी रेखा से नीचे का कोई डॉक्यूमेंट्स, चाहे वो बीपीएल राशन कार्ड हो, चाहे वो इनकम सर्टिफिकेट हो, वो होना चाहिए। तीसरी, आपके विकलांग प्रमाण पत्र आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है। तीन चीज़ें होने के बाद आप इस योजना में आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इस जो वेबसाइट है हमारी, यहाँ पर इसके बारे में सिर्फ इतना ही दिया हुआ है। इसके अलावा बात करते हैं अप्लाई करने की, तो दोस्तों इसको अप्लाई करने के लिए कोई भी ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं दी हुई है। इसको अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर अपने सिटी के जो समाज कल्याण विभाग है या फिर कलेक्ट्री है वहाँ पर जाकर आप अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करा सकते हैं, और वो डॉक्यूमेंट्स आपके कैंप के जो कमेटी के मेंबर होंगे उनके पास पहुँच जाते हैं, और वो आपके पास कॉल कर लेंगे और आपको कैंप की टाइमिंग बता देंगे। जब भी आपको कैंप लगने वाला होगा वहाँ आपको आपके जो उपकरण हैं वो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो दोस्तों आप अपनी कलेक्ट्री में जाकर इसके बारे में पता करें कि राष्ट्रीय वयोश्री योजना कौन देख रहा है और किसके पास डॉक्यूमेंट्स जमा करने हैं। इसके अलावा इसकी ऑनलाइन कोई प्रक्रिया नहीं है। अगर हमारे यूपी में कोई ऑनलाइन प्रक्रिया आती है तो मैं उस पर एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा दोस्तों। इसीलिए मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगा अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन का कोई इसमें ऑप्शन आता है तो। दोस्तों राष्ट्रीय वयोश्री योजना, जहाँ तक मुझे लगता है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा दोस्तों, ये दोनों के लिए है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे वो शहरी क्षेत्र हो। इसके अलावा फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो मेरे कमेंट सेक्शन में आके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करूंगा। ओके फ्रेंड्स, हमारा वीडियो सिर्फ यहीं तक, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।